फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आज का राशिफल, आज का कम्युनिटी बाजार का अपडेट और आज का शेयर बाजार का अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे आज के राशिफल की, जानेंगे कि आज राशिफल कैसे देखने को मिल सकता है और किन राशियों में आज मुनाफा लिखा है, किन राशियों में आज पैसा कमा सकते हैं। और ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगे नाम सीवी पर। शुभ प्रभात मार्केट टाइम्स के दर्शक बंधुओं, अखिलेश राठी जी, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित किया जा रहा है आज 14 जनवरी सन 2022। सर्वप्रथम आपको बहुत महत्वपूर्ण पावन पर्व लोहड़ी और मकर संक्रांति के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आज सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। गौरतलब है कि भारतीय ज्योतिष में और भारतीय संस्कृति में उत्तरायण का पर्व बहुत ही महत्व माना जाता है क्योंकि इस समय मकर राशि और कर्क राशि दो महत्वपूर्ण राशियां हैं। ये जब भी सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं वो दक्षिणायन के अंदर आ जाते हैं और जब लगभग 6 महीने का समय पूरा करने के बाद मकर राशि यानी 14 जनवरी के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और ये लगभग 6 महीने अब उत्तरायण में ही रहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जो ये एक पर्व माना जाता है ये भारतीय संस्कृति के अंदर, और आज से सारे शुभकाम अच्छे और शानदार तरीके से देश भर में मनाए जाते हैं। दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर अलग अलग नामों से इस पर्व का आयोजन और खुशियां मनाई जाती हैं। दक्षिण भारत के अंदर पोंगल है, आसाम के अंदर दूसरा नाम है, लेकिन कुल मिला के ये बहुत पावन अवसर है। आज महत्वपूर्ण राशियां जो हैं जो लाभ कमा सकती हैं वो जो आपके 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियां आज सावधानी रखनी चाहिए। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियों का मिश्रित फल है और 3, 7, 11 यानी वायु तत्व की राशियों के लिए आज दिन शुभ है। 4, 8, 12 यानी कर्क राशि और मीन राशि आज के दिन मिश्रित रुख रह सकता है। जी अखिलेश जी। जी जैसे कर्नल जी, राशिफल के बाद करें अगर कम्युनिटी बाजार के अपडेट की, तो सबसे पहले आपसे कृषि फसलों के ऊपर बात करना चाहूंगा। कम्युनिटी बाजार में आपने जब जब जिस कम्युनिटी में तेजी बताई है तब तक उस कम्युनिटी में तेजी आई है और आपने नुकसान होने से भी पहले ही सतर्क करा है, आग्रह करा है और व्यापारियों को, किसानों को नुकसान होने से पहले भी बचाया भी है। अब हम देख रहे हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर तेजी तो है, लेकिन क्या वो कम्युनिटीज़ में आगे तेजी जारी रहेगी, ये सब आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले अगर बात करूँगा गवार की, तो गवार में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि एक सीमित दायरे में कारोबार के बाद ग्वार की कीमतों में अचानक से उछाला है जो लगातार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से वायदा बाजार में हम देख रहे हैं कि कायम है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहां से बढ़त का दौर जारी रहेगा या फिर गिरावट आएगी? देखिए, ग्वार कॉम्प्लेक्स जो है, चाहे ग्वार गम है चाहे ग्वार सीड है, ये हमेशा से ही अप्रत्याशित रिजल्ट देने में या मूवमेंट देने में जग प्रसिद्ध है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो नीचे से तेजी बनी थी बहुत अच्छी तेजी बनी और गवार सीड के अंदर जो मार्जिन की भी बढ़ोतरी हुई उसके बावजूद भी मूवमेंट है, फंडामेंटल इसके मजबूत हैं, ये तो इसका लंबी अवधि का नजरिया है। लेकिन जो छोटी अवधि के कारोबारी हैं और उनको मैं यही कहूंगा कि जो गवार सीड के अंदर लाइन चूक गए थे,
माल खरीदने से वंचित रह गए थे उतार चढ़ाव के बीच, आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर एक बार मुझे लगता है कि उनको एक अच्छा मौका मिलेगा निचले स्तर पर माल खरीदने का, और उसी धारणा के हिसाब से बाजार में चलें तो बेहतर रहेगा। और एक ये भी मैं कहूंगा कि गवार सीट के अंदर जो वायदा बाजार के अंदर कम मार्जिन के अंदर बड़ा मुनाफा की तरफ देखते हैं या डब्बे में काम नहीं करते, अनऑथराइज डीलर से काम करते हैं, उनको बचना चाहिए, कि आने वाले 10 से 12 दिन गवार सीट के अंदर हाईएस्ट वॉलिटिलिटी के रहने की पूरी पूरी उम्मीद है, और इसके अंदर वही सर्वाइव करेगा, वही मुनाफा कमाएगा जो अपनी पूंजी से खेलेगा, अपने पैसे से कारोबार करेगा, क्षमताओं के आधार पर कारोबार करेगा। 10 रुपए की पूंजी 50 रुपए का काम, निश्चित रूप से ये घाटे का सौदा सिद्ध होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। आप इशारों को समझो, व्यवस्था को समझो और टेक्निकल्स को समझो। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि ग्वार में थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है, कर्नल अजय जी ने इशारा कर दिया है और अब आपकी फैसला होगा। यहीं से कर्नल अजय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में भी हमने काफ़ी शानदार रैली आते हुए देखी है, लेकिन अब देख रहे हैं कि कुछ कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर बिनौला खल में बच के चलना सही रहेगा या फिर यहाँ से भी अभी तेजी रहेगी? बिनौला खल के देखिए कॉटन के फंडामेंटल्स पे हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया है और वो बिल्कुल सही भी साबित हुआ है। बिनौला खल का जो फंडामेंटल है वो मजबूत है, इसमें कोई दोराय नहीं है जी। लेकिन जब बिनौला खल एक सीमा से अधिक ऊपर आ जाती है, अपने लेवल्स को आ जाती है, एक बाल्टी के अंदर आप पानी भर रहे हैं लगातार, आधा है आप उसका पूरा भर देते हैं, 1/4 है उसको पूरा भर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब बाल्टी पूरी भर जाती है तो पानी बाल्टी में नहीं जाके व्यर्थ जाता है, बाहर निकलता है, उफान पे आता है, और जो उफान वाला पानी है, जो बाहर व्यर्थ जा रहा पानी है, उसका फायदा किसी को भी नहीं होता, वो वेस्ट जाता है। यही मेरा इशारा है, यही मेरा आपको कहना है कि जब कपास खली के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए जी, नया सौदे से बचना चाहिए यदि आप खरीदारी करना चाहते हैं। जब तक बाजार नीचे नहीं आएगा फ्रेश निवेशक इसको खरीदारी नहीं करेंगे। अभी कपास खली को अपना नेक्स्ट स्तर पार करना है तो उसके लिए हमारी धारणा के अनुसार उसको एक बार नीचे आना पड़ेगा और उसके बाद में फिर फ्रेश तरीके से वो तेजी दिखाएगा। तो वेट एंड वॉच का टाइम है और जो मुनाफा वसूल करना चाहते हैं ऊपरी स्तर पर उनको मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए और जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं उनको गिरावट का इंतजार करना चाहिए। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि बिनौला खल में कर्नल अजय जी के मुताबिक अभी नई पोजीशन बनाने से अभी बचना चाहिए, क्योंकि अभी बिनौला खल में अभी एक गिरावट की आशंका बनती नजर आ रही है। कर्नल अजय जी पहले ही आग्रह कर देते हैं तो आप लोग उस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा सकते हैं। कर्नल अजय जी, यहीं से बात करें अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री में आज आपके अनुसार और ज्योतिष के अनुसार क्या स्थितियां बन रही हैं और कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? कल याद होगा अखिलेश जी, हमने आपको बुलियन में तेजी की बात कही थी, बहुत शानदार मूवमेंट बनी और जबरदस्त मुनाफा भी कमाया। मुझे लगता है कि आज बेस मेटल के अंदर कुछ तेजी रहने की संभावना बन सकती है और बेस मेटल को नजर रखें और आने वाले 3 से 5 दिन के अंदर बहुत बेहतरीन चेंज ऑफ ट्रेंड बन सकता है मेटल्स के अंदर, उसका भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। जी अखिलेश जी, जी यहीं से कर्नल अजय जी बात करें अगर अब स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या लगता है, आज स्टॉक मार्केट में मंदी रहेगी तेजी या उठा पटक, और किन स्टॉक्स में आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल पाएगा? देखिए स्टॉक मार्केट खेल है संभावनाओं का, स्टॉक मार्केट है खेल है बुद्धिमान इन्वेस्टर्स का, जो नीचे में माल खरीदते हैं अच्छा मुनाफा मिलने पे बेच देते हैं। टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, रिलायंस, HDFC बैंक, ये आपको जीता जाता आपको नमूना है जो हम आपको लगातार दे रहे, जबरदस्त तेजी दिखाई टाटा केमिकल जैसे शेयर्स में। अब समय जो है टाटा स्टॉक मार्केट के अंदर धैर्य से अच्छे स्टॉक्स को पिकअप करने का है।
आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं बजट के ऊपर। फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स चाहे चंबल हो, चाहे नेशनल फर्टिलाइजर हो, चाहे सीएफओ, ये बहुत अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अलावा चीनी जो है, शुगर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, वो भी हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, वो भी अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जो विधानसभा इलेक्शंस होने हैं वहां पर यूपी एक प्रमुख है, और यूपी अक्सर सेमीफाइनल माना जाता है लोकसभा चुनाव का। अक्सर ये कहा जाता है जिसने यूपी जीती उसने दिल्ली जीती, और पूरा देश उसको ऊपर बहुत बारीकी से उस पर नजरें गड़ाए बैठा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना दमखम पूरा दिखाने के लिए तैयार हैं, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे का मजाक, एक दूसरे की तारीफ, दल बदल, जो भी हर संभव गतिविधियां जो हो सकती है वो प्रकाष्ठा पे है। ओमिक्रॉन जैसी खतरनाक बीमारियां, आइसोलेशन, डिस्टेंस मेंटेनिंग, ये सब चीजें माखोल बन के रह गई हैं, क्योंकि सत्ता के सामने सब फीकी हैं। बड़े ताज्जुब की बात भी है कि पूरे देश के अंदर आंकड़े एक के बाद एक ओमिक्रॉन के डिक्लेयर होते हैं जी। लेकिन जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोई बोलता नहीं है। सही बात, ठीक है, अच्छी बात है जैसा होना है, लेकिन ये जनता इसको सब देख रही है। मुझे लगता है कि शेयर बाजार के अंदर बजट से संबंधित स्टॉक्स जैसे फर्टिलाइजर है, शुगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओमिक्रॉन और कोविड 19 जैसी महामारियों को झेलने के बाद उम्मीद है कि सरकार हेल्थ केयर के ऊपर, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के ऊपर भी पूरा ध्यान देगी, और देना भी चाहिए। यदि नहीं ध्यान दिया तो आने वाले समय के अंदर फिर हमें प्रभु भी माफ नहीं करेगा। तो कुल मिला के आप फार्मा यानी हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान दें, एजुकेशन पे ध्यान दें, फर्टिलाइजर पे ध्यान दें, स्टील सेक्टर, मेटल स्टॉक्स पे ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे ध्यान दें, इन पे ध्यान देना चाहिए। इन सेक्टर्स की जो अग्रणीय कंपनियां हैं उनके ऊपर भी नजर रखना चाहिए, जिसमें रिलायंस है, टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पराज इंडस्ट्रीज है, बलरामपुर चीनी है, रेणुका शुगर है। इन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए, और नीचे मिलने पर इसको खरीदारी करने की सलाह बनती है। एक महत्वपूर्ण बात और आपसे चर्चा करूंगा कि ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और एस्ट्रो फाइनेंस के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुंचाई जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी जानकारी ले सकते हैं। शो को यदि पसंद आता है लाइक करना अवश्य करिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। जी कर्नल अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो कर्नल अजय जी के मुताबिक आज कुछ ऐसा रह सकता है आज आपका राशिफल, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।